अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ अपने घर में खुशबाश भी होंगे और सेहतमंद भी। ये देखें, मैं आज आपके लिए बहुत ही प्यारा और इजी पैटर्न लेके आई हूँ। ये देखें, ऐसे ये बन के तैयार होता है, सामने से ऐसा दिखता है और बैक साइड से ऐसा। तो ये जो है, ये 2+2+2+ जितने मर्ज़ी आप फंदे डाल लें, और दो एच स्टिचेस हैं, और ये 4 रोज में तैयार होता है। ये डिज़ाइन जो है इतना खूबसूरत है, ये देखें, मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा है। इजी बहुत है, अब आप बनते देखेंगे ना तो आप वाकई आप कहेंगे वंडरफुल। तो चलिए इसको बनाते हैं हम। इसके लिए मैंने जो है 12 फंदे डाले हैं और छोटा सा एक बॉर्डर बनाया है, ठीक है। तो इसको एक मैं अब ये एच स्टिच बना के तो सारी जो सिलाई जो है वो सीधी बनाऊंगी, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है उल्टी तरफ से शुरू होता है। ये सीधी सिलाई करके तो हम वो बैक साइड पे जाएंगे, यानी ये रॉन्ग साइड पे जाएंगे। स्टिच भी जो है वो ये भी आप सीधा ही बना लें। अच्छा, अब ये देखिए रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड पे आपने क्या करना है कि पहला आपका ये जो एच स्टिच थे ये तो आप स्लिप कर लेंगे, तो इसको आपने उल्टा बनाना है, पहला फंदा जो है, ठीक है। पहला फंदे को उल्टा बना के फिर आपने धागा पीछे लेके जाना है, पीछे ले जाके अगला फंदा जो है वो आपने स्लिप करना है, ऐसे बगैर बुने उतार लेना है पर्ल वाइज, ठीक है। फिर धागा आगे लेके आने हैं और इसको बुन लेना है, एक फंदे को बुन लेना है। फिर धागा पीछे लग के जाना है, इसको स्लिप करना है, धागा आगे लेके आना है और एक उल्टा बुन लेना है। फिर धागा पीछे, यान पीछे लेके जाना है, इसको स्लिप करना है पर्ल वाइज, ऐसे जो यान आगे लेके आना है इसको आपने पर्ल कर लेना है, यानी उल्टा बना लेना है। फिर धागा पीछे लेके जाना है, इसको स्लिप करना है, और फिर धागा आगे लेके आना है, इसको आपने उल्टा बना लेना है। फिर धागा पीछे लेके जाना है और इसको आपने स्लिप कर लेना है, और धागा आगे लेके आना है, और ये जो आपका एच स्टिच है इसको आपने उल्टा बुन लेना है। ये हमारी डिज़ाइन की पहली रो थी, ठीक है। उसके बाद आपने सीधी तरफ आ जाना है, इसको उतारना है आपने, ये जो हमारा एच स्टिच है, और ये जो आपको फंदा स्लिप नज़र आ रहा है ना, जो हमने बगैर बुने उतारा था, उसको आपने धागा आगे करके इसको उल्टा बुन लेना है, ठीक है। जो सीधा आपको नज़र आए उसको सीधा ही बनाएंगी, सीधा बना लें इसको। फिर ये इसको जो हमने पीछे से स्लिप किया था, ये देखें ऐसे, इसको आपने सामने से उल्टा बनाना है। फिर इसको सीधा, सीधे को सीधा, और जो स्लिप किया हुआ उसको उल्टा बनाना है, सीधे को सीधा, स्लिप किए वाले को आपने उल्टा बनाना है। फिर धागा पीछे सीधा, फिर धागा उल्टा, और धागा अपनी तरफ और उल्टा बना लेना है इसको। फिर धागा पीछे और इसको अपने सीधा बनाना है, और आखिरी जो है एच स्टिच आप उसको उल्टा बना लें। अब आप ये देखें, अब हम इस साइड पे आ गए हैं, रॉन्ग साइड पे, राइट साइड पे, ठीक है। अब आपने दोबारा आपने इसको उतार लेना है ऐसे, एच स्टिच को उतार के आपने उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा बनाना है। पहले हमें उल्टा नज़र आ रहा है, इसको हम उल्टा बनाएंगे, फिर हमें ये सीधा नज़र आ रहा है, इसको हम सीधा बनाएंगे,
उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा और आखिरी एच से जो है उल्टा, ये हमारी रॉन्ग साइड है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ गए हैं राइट साइड पे। अब देखें हम क्या करते हैं। ये हमारी फोर्थ रो है, ये हमने पहला स्टिच उतार लिया, इसका एच स्टिच उतार लिया। अब ये पहला हमारा उल्टा आपको नज़र आ रहा है ना, तो इसके नीचे से ये जो हमने फंदा जो हमने वो किया था, हमने स्लिप किया था, तो इसको आपने तो उठा के लेफ़्ट साइड पे ले लेना है नीडल पे, और दोनों को पीछे से आपने दो का एक करना है ऐसे सीधा बनाते हुए। फिर सीधे को सीधा बनाएंगे ऐसे, ठीक है। फिर आप नीचे से ये जो फंदा हमने स्लिप किया था और साथ धागे पीछे से लेके आए थे, इसको आपने ऊपर ले जाके इस फंदे के साथ मिला के दोनों को नेट टू टुगेदर ऐसे, ठीक है। सीधे को सीधा बनाएंगे, ये फिर उल्टा है, इसको नीचे से ये आपने उठाना है ये, और इसको आपने ऊपर नीडल पे लेके दोनों को बैक लूप से आपने दो का एक कर देना है ऐसे, ठीक है। फिर सीधे को सीधा बनाना है, ये फिर उल्टा आ गया है, इसको नीचे से आपने ये लेना है फंदा ऐसे, दोनों को आपने बैक लूप से सीधा बना देना है ऐसे, नीट टू टुगेदर। फिर आपने सीधा एक बनाना है, अब ये उल्टा आ गया है, नीचे से आप फंदा उठाएं और दोनों को आपने बैक लूप से सीधा बना देना है ऐसे। फिर सीधा एक है और ये हमारा आखिरी जो है ये एच स्टिच उल्टा। अब आपने यहाँ पे देखिए हमारी अब रो मुकम्मल हो गई है, ठीक है। तो अब हमारा डिज़ाइन दोबारा हम शुरू करेंगे डालेंगे। तो अब आपने देखना है कि हमारा एच स्टिच के अलावा जो लास्ट वाला था ये फंदा, ये हमारा इस पर कोई वो हमने फंदा उठा के नहीं, ये हमारा सीधा फंदा था, तो इसका मतलब यहाँ पे अब डिज़ाइन डलेगा, ठीक है। तो आपने ये हमारी अब रॉन्ग साइड है, तो एच स्टिच को उतार के आपने इसको आपने इसको आपने नहीं बुनना, इसको स्लिप कर लेना है, धागा पीछे रहे, धागा पे आगे ला के अगले को आपने उल्टा बुनना है, ठीक है। फिर धागा पीछे ले जाके जाएंगे, एक स्लिप करेंगे, धागा आगे एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे लेके जाएंगे, स्लिप करेंगे, धागा आगे एक उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे स्लिप करेंगे, धागा आगे एक उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे एक स्लिप करेंगे, धागा आगे एक उल्टा बनाएंगे, और आखिरी जो है ये हमारा एच स्टिच उल्टा। ये अब ये डिज़ाइन का हमारा पहला जो रो थी, ठीक है। अब हम फ्रंट साइड पे हैं, पहला हम उतारेंगे इसको। अब देखें ये हमें सीधा नज़र आ रहा है, तो हम सीधा बनाएंगे इसको, और ये जो है जिसको हमने स्लिप किया है इसको हम उल्टा बनाएंगे, सीधे को सीधा जो स्लिप किया था उसको उल्टा, जिसके आगे धागा नज़र आ रहा है आपको, सीधे को सीधा, और ये जो हमने स्लिप किया था ये देखेंगे इसको उल्टा, सीधे को सीधा, और जो हमें ये उल्टा ये स्लिप किया था उसको उल्टा, फिर सीधा, और आखिर में ये स्लिप किया हुआ है इसको उल्टा बना के, तो एच स्टेज को भी उल्टा बना लें।
मुड़ जाएं आप। ये आपने पहले एच स्टिच उतार लिया है कि हमें सीधा नज़र आ रहा है, सीधे को सीधा बनाएं, उल्टे को उल्टा बनाएं। ये माय थर्ड रो है, सीधे को सीधा बनाएं, उल्टे को उल्टा बनाएं, सीधे को सीधा बनाएं, उल्टे को उल्टा बनाएं, सीधा आ गया, इसको सीधा बनाएं, उल्टा, सीधा और उल्टा, और आखिर में एच स्टिच भी उल्टा। ये हमारी थर्ड रो थी, अब हमारी फोर्थ रो है, डिज़ाइन की आखिरी रो होती है ये। अच्छा, अब हमने एच स्टिच उतार लिया, ठीक है, इसको ये सीधा हमें नज़रा सीधा बना लिया। अब ये जो है हमें इस ये फंदा में उल्टा नज़र आ रहा है, तो नीचे से आपने ये लूप उठाना है, ठीक है, उठा के आपने इसके ऊपर रख के बैक लूप से आपने दो का एक कर देना है सीधा बुनते हुए, ठीक है। फिर आपने देखें ये सीधा आ रहा है, सीधा बनाएं इसको। ये फिर हमें उल्टा नज़र आ रहा है फंदा, इसको आप नीचे से जाते हुए ऊपर ऐसे बैक लूप से बोलने ऐसे। फिर उसके बाद हमें सीधा नज़र आ रही है, सीधा बनाइए इसको। उसके बाद ये फिर हमें उल्टा फंदा नज़र आ रहा है, तो नीचे से फंदा उठा के और दोनों को आपने बैक लूप से सीधा बना लेना है, नीट टू टुगेदर। फिर सीधा बनाएं और ये उल्टा नज़र आ रहा है, नीचे से ये उठा के आपने बैक लूप से सीधा बना लेना है। फिर ये सीधा फंदा नज़र आ रहा है ऐसे। उसके बाद ये आखिरी उल्टा नज़र आ रहा है, तो इसकी जो है ये बार उठा के आपने दोनों को एक साथ बैक लूप से दो का एक कर लेना है, यानी दोनों को सीधा बना लेना है। और आखिरी जो एच स्टिच उल्टा, इस आपने अल्टरनेट करता जाना है। ये देखें डिज़ाइन बनता जा रहा है, ये देखें कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना, कितना इजी है। अब देखें आखिर आपको नज़र आया है कि आखिर में हमने लूप नीचे से उठा के ऊपर बनाया, तो इसका मतलब है कि अब जो हम उल्टी साइड से हम बनाएंगे, तो हम इसको निट करेंगे, निट नहीं पर्ल करेंगे, यानी हम इसको बुनेंगे, हम इसको स्लिप नहीं करेंगे। फिर हम इसको इसको उल्टा बुनेंगे, उसके बाद फिर हम इसको जो अगला फंदा है वो उसको आपने इसको स्लिप करना है, फिर आपने बुनना है, फिर स्लिप करना है, फिर बुनना है, फिर स्लिप करना है, फिर बुनना है, फिर स्लिप करना है, बुनना है, फिर स्लिप करना है, इस तरह आपने करना है। फिर आप सीधी तरफ जाएंगे तो आपने वो जो बाकी उसकी रोज है जिसमें मैं तरीका बताया वो आपने करते जाना है, ठीक है। इस तरह ये डिज़ाइन बनता जाएगा, बड़ा सॉफ्ट बनता है, बेबी स्वेटर्स के लिए तो बहुत ही रिकमेंडेड है। तो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर इसको बनाइए आप, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में शामिल रखिए। अल्लाह हाफिज़।